आई लव हिस्टोरिकल मूवीज। पहला क्योंकि हमारे सामने पास्ट का रिक्रिएट किया हुआ सीन होता है, प्लस वी गेट टू नो हिस्ट्री ऑफ हाउ थिंग्स फेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस मूवी को देखने का पहला तो ये कारण था, और दूसरा ये क्योंकि इसके अंदर केविन कॉस्टनर और वुडी हैरल्सन ने काम किया है, प्लस ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। सो हाउ कैन आई मिस। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द हाईवेमैन रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 29 मार्च 2019 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है और स्टोरी है बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो की, बेटर नोन एज बॉनी एंड क्लाइड। ये 1930s के दौरान बहुत फेमस हुए थे इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से। ये लोग छोटे मोटे बैंक्स और शॉप्स को लूटते थे, और अगर कभी पकड़े जाने का खतरा होता था तो ये खून करने से भी नहीं कतराते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 9 पुलिस ऑफिसर्स और करीब करीब उतने ही सिविलियंस को जान से मारा था। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट 2 टेक्सास रेंजर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो इन दोनों को पकड़ सके या फिर वक्त पड़ने पर मार भी सके। अब क्या ये टेक्सास रेंजर्स इन दोनों को पकड़ पाते हैं या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है द हाईवेमैन। Clyde might be king, but I'm a Texas Ranger, you little shit. No, it didn't see me. इस मूवी को देखने के लिए मैंने डम्बो और अस मूवी को स्किप किया, क्योंकि मुझे लगा ये मूवी वर्थवाइल है, मगर मूवी देखने के बाद में इट वॉज एन ओके मूवी। केविन कॉस्टनर और वुडी हैरल्सन की जोड़ी एज टेक्सास रेंजर्स कमाल की थी। एक मिनट के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि इन दोनों की केमिस्ट्री सूट नहीं कर रही थी। प्लस मूवी में ये दिखाना कि कैसे ये दोनों ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके हैं, उसके ऊपर से काफी वक्त से ऐसा टेक्सास रेंजर्स के तौर पर इन्होंने काम नहीं किया है, तो बूढ़े होना और वो एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे कम हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग क्या इन दोनों को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे। एंड अगेन मूवी में काफी एग्जांपल्स से हमें ये देखने को मिलता है कि यार ये लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, बट स्टिल इनके अंदर वो काबिलियत है, वो छोटे छोटे हुनर है, जिसकी वजह से बूढ़े होने के बाद में भी उस पार्क से ये क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। मूवी के डायरेक्टर है जॉन ली हैंकॉक, जिन्होंने द फाउंडर, द ब्लाइंड साइड, सेविंग मिस्टर बैंक्स जैसी गजब की मूवीज बनाई हैं। और इस मूवी में भी सिनेमाटोग्राफी से, लोकेशन से, गाड़ियों से और बंदूकों से ये आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करते हैं। एंड इनफैक्ट डायरेक्टर ने एक स्टेप आगे जाके उसी लोकेशन पे एक्चुअल में मूवी शूट की है, यानी कि बॉनी और क्लाइड की, जहां पर एक्चुअली में बॉनी और क्लाइड की डेथ हुई थी। फॉर मी दैट्स कॉल्ड डायरेक्शनल डेडिकेशन। तो डायरेक्टर हमें एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और लोकेशन से इम्प्रेस करते हैं, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं कि ये मूवी बॉनी और क्लाइड के ऊपर बेस्ड थी। मगर अनफॉर्चुनेटली मूवी में हम बॉनी और क्लाइड के बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर जानते हैं। आई मीन बॉनी और क्लाइड क्यों लोगों को मारते थे, बॉनी और क्लाइड एक्चुअल में मिले कैसे थे, इनफैक्ट बॉनी और क्लाइड का हार्डली मूवी में कोई सीन भी नहीं था। इंस्टेड ये मूवी इन टेक्सास रेंजर्स के बारे में ज्यादा था, यानी कि लीड एक्टर्स के ऊपर ज्यादा था, कि कैसे ये छोटे छोटे क्लूज इकट्ठा करके बहुत ही रगड़ते धोते कैसे बॉनी और क्लाइड को पकड़ते हैं। बट स्टिल मैं इसी इंटरेस्ट से ये मूवी देखे जा रहा था कि शायद से अब बॉनी और क्लाइड के बारे में कुछ बताएगा या कुछ सीन आएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली 1-2 मिनट के अलावा पूरी मूवी में बॉनी और क्लाइड का कोई सीन ही नहीं था। इनफैक्ट पूरी मूवी कैट एंड माउस की चेस जैसी लग रही थी, जहां पे माउस थे बॉनी और क्लाइड और कैट थे हमारे टेक्सास रेंजर्स, और सिर्फ कैट के बारे में बताया गया, माउस के बारे में बहुत लिमिटेड बताया गया। आई मीन नॉर्मली हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें हमें ये जरूर दिखाया जाता है कि अगर कोई विलन है तो वो क्यों इतना खूंखार है, या उसको क्यों पुलिस पकड़ना चाहती है, या क्यों मारना चाहती है, या फिर वो क्यों मारा गया, एक इमेज बनाया जाता है उसका, ताकि जब वो मूवी में उसकी मौत हो या डेथ हो तो हम बोले कि ओके फाइन, इसका एक्स वाई जेड रीजन की वजह से ये मरा है। मगर इस मूवी में क्योंकि बॉनी और क्लाइड के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता, आई वॉज लाइक यार क्यों मार दिया। हाँ इन्होंने किसी ऑफिसर्स का मर्डर किया है, लोगों का मर्डर किया है, बैंक रॉबरीज किया है, बट स्टिल वी डोंट गेट टू सी देम इन एक्ट। आई मीन अगर एक भी सीन दिखाया जाता तो शायद से ये मूवी मुझे और इंटरेस्टिंग लगती। एंड अगेन शायद अगर ये सीन दिखाया जाता तो शायद से मैं बॉनी और क्लाइड को उनके डेथ से कनेक्ट कर पाता हूँ कि फाइन ये सीन हुआ तो बॉनी और क्लाइड का जो डेथ है जस्टिफाइड है। बट इनफैक्ट वो सीन नहीं था, तो जब बॉनी और क्लाइड की डेथ होती है तो मुझे एक्चुअली टेक्सास रेंजर्स पे गुस्सा आ रहा था कि यार क्यों मार दिया। सो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इसमें केविन कॉस्टनर और वुडी हैरल्सन नहीं होते तो शायद से मैं ये मूवी देखते ही नहीं। सच कहूं तो ये मूवी मुझे एवरेज से ज्यादा डिसेंट से कम लगी। केविन कॉस्टनर और वुडी हैरल्सन, लोकेशंस, गाड़ियां,
हिस्टोरिकल प्लेसेस के अलावा ये मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज, न्यूज, अपडेट्स एक्सेट्रा अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सपोर्ट अस इन प्रमोटिंग दिस चैनल बाय सेंडिंग एनी अमाउंट यू कैन। आप हमें ऑनलाइन पेमेंट से, पेटीएम से, यूपीआई से या फिर पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सो प्लीज सपोर्ट अस एंड हेल्प अस ग्रो। तो ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी द हाईवे मैन का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।